नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत के सभी बोर्डों ने कक्षा 1 से 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा जनरल प्रमोशन द्वारा पास कर दिया है। तो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अब आपका जो रिजल्ट और मार्कशीट आएगी वो कैसी होगी, यानी कि आपको आपकी मार्कशीट में कितने परसेंट दिए जाएंगे और आपको किसी एक सब्जेक्ट में कितने नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों, आज आपको आपकी कक्षा के रिजल्ट और मार्कशीट को दिखाने जा रहा हूँ, तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कक्षा 1 से 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों ने कोई भी वार्षिक पेपर नहीं दिए हैं, तो दोस्तों आपको बता दूं कि आपकी कक्षा के फाइनल रिजल्ट और मार्कशीट में परसेंटेज नहीं लिखे हुए आएंगे और ना ही किसी भी विषय के अंक दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आपकी जो मार्कशीट होगी, आपका जो रिजल्ट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे कि आप मार्कशीट देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको संपूर्ण मार्कशीट दिखाता हूँ, जैसे कि इसको मैं जूम करता हूँ। दोस्तों, ये एक प्रकार का पैटर्न है जिसमें लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, दिस सर्टिफिकेट इज प्रेजेंटेड टू, देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपका नाम यानी कि विद्यार्थी का नाम, कक्षा का नाम, जैसे कि कक्षा 1 से 8वीं या 9वीं या 11वीं कोई भी कक्षा हो सकती है आपकी, बोर्ड को छोड़ करके। दोस्तों, आगे लिखा हुआ है पास जनरल प्रमोशन। दोस्तों, आपको यहाँ पे कोई भी परसेंटेज नहीं दिए गए हैं, यानी कि आपको जनरल प्रमोशन दिया गया है, इससे आप पास होते हैं, अगली कक्षा में जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपके किसी भी विषय के अंक नहीं दिए गए हैं, क्योंकि आपके वार्षिक पेपर ही नहीं हुए। दोस्तों, यहाँ पे आपके जो निदेशक है, यहाँ पे प्रिंसिपल है, उसके साइन आ जाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पे जो सत्र चल रहा था वो 2020 का चल रहा था। तो दोस्तों, आपके कक्षा 1 से 8वीं और 9वीं के विद्यार्थियों की फाइनल मार्कशीट है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। दोस्तों, आपको बता दूं, आपके कक्षा 1 से 8वीं और 9वीं के विद्यार्थियों की फाइनल मार्कशीट में पास जनरल प्रमोशन लिखा हुआ आएगा। दोस्तों, कक्षा 1 से 8वीं हैं उनके यहां पे कोई भी परसेंटेज नहीं लिखे हुए आएंगे, लेकिन 9वीं से 11वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके जो फाइनल मार्कशीट में परसेंटेज भी लिखे आएंगे। परसेंटेज कैसे दोस्तों, क्योंकि आपके जो अर्धवार्षिक पेपर हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टेस्ट हुए हैं, उनको टोटल काउंट किया जाएगा और आपके परसेंटेज बनाए जाएंगे। दोस्तों, ऐसा मत सोचना कि 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी पास फेल होंगे, नहीं दोस्तों, वो भी पास होंगे, वो भी बिना परीक्षा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपकी कक्षा 1 से 8वीं और 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों की मार्कशीट रहने वाली है भारत के सभी बोर्डों की। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आगे जो एडवर्टाइज दिया गया है वो भी जरूर देखना। आपकी परीक्षा से जुड़ी पल पल की जानकारी के लिए आज ही विजिट करें rkela.in, इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।